Friends, today I'm here at Ravindra Bhavan. This is part of the Lalit Kala Academy. So today we have the 63rd National Exhibition of Art, which was inaugurated by Manoj Joshi ji, who was the chief guest. He's a well-known film actor. दूसरे उसमें जो गेस्ट थे चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी जो आजकल बहुत बड़ी फिल्में बना रहे हैं कर रहे हैं ओ माय गॉड 2 से जुड़े हैं उससे पहले उन्होंने चाणक्य सीरियल बनाया था किसी ज़माने में 1990 के दशक में और वो उन्होंने आज जानकारी दी कि वो जे जे स्कूल ऑफ आर्ट से थे और अब वो जैसे मनोज जोशी जी भी जे जे स्कूल ऑफ आर्ट से हैं और उन्होंने बड़े पर्दे पर आ गए हैं गेस्ट ऑफ ऑनर जो थे वासुदेव कामट जी थे और चेयरमैन ललित कला अकेडमी जी जो होस्ट हैं प्रोफेसर वी नागदास जी तो ये कार्यक्रम आज शुरू हुआ कमानी ऑडिटोरियम में 5 बजे वहाँ पे सब नेशनल जो अलग अलग देश के कलाकार आए हैं स्कल्पचर में पेंटिंग्स में उनको ऑनर किया गया साइटेशन दिया गया और अभी जो है ये प्रदर्शनी आज इधर ललित कला एकेडमी रविंद्र भवन में लगी है और 28 अगस्त से ये 1 महीने चलेगी तो आप लोग इधर आ सकते हैं सितंबर के एंड तक और इसमें आप लोग अलग अलग जो अवार्ड विनिंग स्कल्पचर्स हैं जो पेंटिंग्स हैं उनका लुत्फ उठाइए बहुत बहुत बधाई अनामिता सिंह को उनके इस उपलब्धि पर और इस पुरस्कार प्राप्त करने पर इन्हें भी 2 लाख रुपए की राशि के साथ प्रशस्ति पत्र 15 वर्ष से भेंट करके सम्मानित किया जा रहा है और देश से ही है अनंत सुल्तान उन्हें मंच पर मैं आमंत्रित करता हूँ अनंत सुल्तान ने पेंटिंग में कला शिक्षा प्राप्त की है और इनकी पेंटिंग मेटामॉर्फिस 11 उसे ये राष्ट्रीय पुरस्कार जो है प्रदान किया जा रहा है मुख्य अतिथि और सभी सम्मानित गणमान्य विभूतियों के करकमलों से मंच पर आपके करकल ध्वनि के साथ ये अभिनंदन हो ये पुरस्कार उन्हें प्राप्त हो उनके प्रति हम अपनी शुभकामनाएं अपनी करकल ध्वनि के रूप में जरूर अभिव्यक्त कर सकते हैं और इनका इनको बहुत बहुत बधाई अनस सुल्तान उत्तर प्रदेश से पुरस्कृत होने वाले कलाकारों में अगला नाम है आरती पालीवाल आरती पालीवाल मुख्य शिल्प क्षेत्र से बहुत ही कुशल मूर्तिकार के रूप में इनकी पहचान है और स्वतंत्र सेरेमिक कलाकार के रूप में इनकी प्रतिष्ठा है इंदौर से इन्होंने कला शिक्षा प्राप्त की जो इनका मूर्ति क्षेत्र है नेचर फन उसके लिए उन्हें आज यहाँ पुरस्कृत किया जा रहा है मुख्य अतिथि और सभी सम्मानित विभूतियों के करकमलों से आप सबके कर्तव्य ध्वनि के साथ देवियों से चले आरती पालीवाल आरती जी को भी प्रशस्ति पत्र अंगवस्त्र और 2 लाख रुपए की राशि इस सम्मान इस पुरस्कार के रूप में उन्हें प्रदान किया जा रहा है yes. Ma'am, this side. Yes. इस क्रम में अगला नाम जिन्हें हम मंच पर आमंत्रित करने जा रहे हैं पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उसमें मध्य प्रदेश के एक कलाकार हैं हमारी तरफ से उनके प्रति बधाई और शुभकामनाओं के रूप में आपकी करकल ध्वनि हम सबके शुभ संदेश बहुत बहुत बधाई एकता जी को उनके सुख उन्हें भी 2 लाख रुपए की राशि अंगवस्त्र और विभिन्न जो भेंट करके प्रशस्त पत्र भेंट करके सम्मान किया जा रहा है जामुन के मिर्चों ये जज्बा बहुत कमाल का है प्रेरित करने वाला है बीएफए किया है पेंटिंग में किरण में और उनकी पेंटिंग द एलिमेंट ऑफ लाइफ उसे पुरस्कृत किया जा रहा है जो कल्पना के उड़ान से संबंधित है किरण की कल्पना की उड़ान को आप देखेंगे आपको देख कर खुशी होगी हैरानी होगी और आपके तरफ से किरण के लिए बहुत सारी दुआएं और शुभकामनाएं निकलेगी आइए अभिनंदन करें वंदन करें शेर खाने को
उनके बेटी के लिए द एलिमेंट ऑफ लाइफ जीवन जटिलता और जटिलता की उस प्रक्रिया में हम भी उसके प्रदर्शित किया जा सकता है पेंटिंग के रूप में उसके विभिन्न आयामों को चुनौतियों को बहुत सुंदर है किरण की आप पेंटिंग देखेंगे तो आपको इस बात का एहसास होगा द एलिमेंट ऑफ लाइफ बहुत सारी बधाई बहुत सारी शुभकामनाएं किरण अरेगा शेखानी को कर्नाटक से राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में उसमें ये देखने का अवसर हम सबको अभिनंदन के स्वर और गूंज जो है प्रियम तालुकदार के लिए आसान से बहुत सारी बधाई सभागार त्रेत्री जी को उनके अब तक की यात्रा में जो संभावनाएं दिखी वो बहुत बहुत प्रेरित कर रही है और भविष्य में ऐसा बहुत कुछ रचा जाने वाला है जो कला प्रेमियों के लिए सुंदर भाग्य होगा और जिसे देखकर आनंद की अनुभूति तो होती है लेकिन ये कलाकृतियां वो हैं जो हमें दिशा भी देती है हमारी सोच को दिशा देती है हमारे चिंतन को मार्ग दिखाती है। समाकांत रेड्डी जी को बहुत बहुत बधाई उनके इस उपलब्धि पर इस राष्ट्रीय पुरस्कार में भी प्रमाण पत्र अंगवस्त्र प्रशस्ति पत्र और साथ में 2,00,000 रुपए की राशि जो है पुरस्कार के रूप में राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में यहाँ प्रदान किया जा रहा है मंचा सिंधु सूचन बहुत बहुत बधाई सुमित देवनाथ जी को त्रिपुरा में रहते हुए जिस तरह का वो कला के क्षेत्र में काम और योगदान दे रहे हैं वो अपने आप में बहुत प्रेरक भी है और इसके लिए ललित कला अकादमी की तरफ से उनकी कृति नॉस्टैल्जिक मेमोरीज के लिए भी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। ये उद्देश्य और ये प्रयास लगातार जो है वो ललित कला इसी क्रम में ये राष्ट्रीय पुरस्कार भी राष्ट्रीय कला पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। 63वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी जिसके आपसे कुछ ही देर बाद रविंद्र भवन में हमारे ललित कला निधान में उसका शुभारंभ होगा लेकिन जिनकी कृतियों को वहां प्रदर्शित किया जा रहा है वो कलाकार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए गए। आज यहां इस मंच पर आप सबकी गणना में उपस्थिति में इन सबके लिए हमारी बहुत सारी बधाई बहुत सारा स्नेह आशीष बड़ों का और हमारी तरफ से भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाओं के स्वर भी और भावनाएं क्योंकि सुदूरवर्ती इलाकों में रहते हुए भी अपनी कला के प्रति जो साधना का भाव संकल्प इन प्रतिभाओं में दिखता है वो अपने आप में बहुत प्रेरक भी है बहुत विलक्षण भी है। इसलिए ये पुरस्कार उन्हें इस क्षेत्र में और कुछ नया रचने और बेहद कुछ क्रिएट करने के लिए प्रेरित करेगा और उनकी प्रतिभा से दूसरे लोग भी प्रेरित होंगे दूसरे युवा भी प्रेरित होंगे। तो एक बार सभी चूंकि एक साथ मंच पर हैं तो सबके लिए एक बार आपकी कर्तव्य आपकी तालियों के साथ बहुत बहुत बधाई इन सभी हमारे 20 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त सबका कलाकारों को और अभिनंदन उनके प्रतिभा को बहुत बहुत बधाई इन सभी के लिए। थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमने कल्पना की है कि वाल्मीकि रामायण ने श्री राम के जो गुणों का वर्णन किया है उसमें एक उनका गुण चित्रकार भी है चित्रकार है फिर से वाल्मीकि रामायण आप देखिए। दूसरा उनका गुण संगीतकार भूतल पर श्रेष्ठ संगीत ले गया। तो कई बार ऐसा होता है कि हम जब महाकाव्य पढ़ते हैं धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं शास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें भौतिक सच्चाइयां भूल जाते हैं जो वासुदेव जी कह रहे थे कि इतिहास के ये वो पन्ने जो चित्रकार गढ़ता है। यहाँ इतने विद्वानों के बीच में मुझे कम बोलना चाहिए क्योंकि बुद्धिमान वही होता है जो विद्वानों की सभा में चुप रहता है। तो मैं आप लोगों को धन्यवाद कहूंगा कि मुझे ये अवसर मिला कि मैं ऐसे 20 बड़े कलाकारों के साथ हाथ मिला सका। तो मित्रों इस उम्मीद के साथ कि हमारी मुलाकातें होती रहेंगी और अगली बार जब हम लोग आए तो ऊपर भी लोग हों और कभी कभार हमारी फिल्में भी देखिए करें अच्छा लगेगा।
से और खासतौर पर टेलीविजन रंगमंच और फिल्मों के माध्यम से हमने देखा है। जैसे कि आदरणीय द्विवेदी जी ने उल्लेख भी किया कि वे मुंबई के सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट से जिन्होंने स्नातक की अपनी डिग्री हासिल की। मंच पर उपस्थित मैं उन्हें विश्वकर्मा के संबोधन से संबोधित करना चाहूंगा। सही अर्थ में विश्वकर्मा है, एक ने सृष्टि रची और विश्व विख्यात ऐसे हमारे भारत के सुप्रसिद्ध शिल्पकार राम सुतर जी। ललित कला अकादमी के मैं नागदास एकत्रित बोलूंगा, नागदास जी और हमारे गुरु और जिनका बौद्धिक अभी हमने सुना और तरोताजा हो गए, ऐसे आदरणीय वसुदेव कामत जी और मेरे ज्येष्ठ बंधु और जिन्हें पूरा विश्व चाणक्य के रूप से जानता है, ऐसे विद्वान डॉक्टर चंद्र प्रकाश त्रिवेदी जी। सर्वप्रथम मैं ललित कला अकादमी का आभार प्रकट करता हूं। इसे जिस सृष्टि में हूं, नाटक में हूं, कला का विद्यार्थी हूं, एक करेक्शन करता हूं, मैं स्नातक नहीं हूं। मैंने केवल 2 वर्ष का अभ्यास किया, उसके बाद पब्लिकेशन डिजाइनिंग किया क्योंकि पेट भरने के लिए क्या करो, ये भी विवंचना थे, कलाकार बनना था, इसलिए पब्लिकेशन डिजाइनिंग करके बहुत सारे मैगजीन में, तब मैन्युअली होता था सारा, पेज मेकिंग नहीं था, कंप्यूटर नहीं आया था, तो वो सारी चेष्टाएं की, 17-18 नौकरियां की, असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर से लेकर आर्ट डायरेक्टर, कैलीग्राफी, इलस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ किया और 91 में नक्की की किया कि जो पोर्ट्रेट मैं कैनवास पे करना चाहता था वो सिल्वर स्क्रीन पे करूंगा और जो कर रहा हूं, तो मूलतः और मैं जो कुछ भी हूं, यदि मैं चित्रकार बनने नहीं जाता उस मां के पास जिसका नाम है जे जे स्कूल ऑफ आर्ट, तो शायद मैं इतना नाटक, सिनेमा और सीरियल, तीन माध्यम, तीन भाषा, इतना व्याप्त काम नहीं कर सकता था यदि उस मां के पास नहीं जाता। भारत की कला परंपरा के प्रतिभा का लाभ आईसीसीआर जिसके महानिदेशक की भूमिका और दायित्व आपने निर्वहन कर रहे हैं, श्री कुमार तुहिन, बहुत बहुत धन्यवाद। अदिल मोहता वो डिप्टी हेड ऑपरेशन Committee of Children in India. Please, we welcome Mr. Mikhail Ansiparov for his presence in this program, in this event. Thank you very much for coming, sir. Shri Jatin Das. Mr. Boyster Allen. So please, I'm getting it. Shri Advaita Gadanaya.
प्रोफेसर वी नागदासी के हाथों से उनको भी यहाँ पर हम सम्मानित करना चाहते हैं। तो हिस्से में क्योंकि पुरस्कार वितरण समारोह जो ये यहाँ है और जो कला प्रदर्शनी है राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी 63rd कला प्रदर्शनी उसका आयोजन रविंद्र भवन में हमारे साथ नरोत्तम दास जी हैं जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा से हैं। ये जो कलाकृति बनी हुई है स्कल्पचर, ये सर ने बनाई है, तो हम जानना चाहेंगे इसके बारे में थोड़ा सा। एक्चुअली ये इसका टाइटल मैंने रखा है नववधु। जो गांव की लड़की रहते हैं, गांव में क्या है उनको पढ़े लिखे रहते हैं नहीं रहते कोई कोई, और उसमें क्या है कि जैसे कुमारी लड़की उनको क्या है कि ये नहीं रहता, मतलब जानकारी नहीं रहती शादी क्या है ये क्या है, वो खेल कूद में रहते हैं, घर के परिस्थितियों में ये रहते झेलते रहते हैं, और उसमें उनको जब शादी करवा देते हैं ना तो उनका मन में ऐसा फील आता है कि मेरे कैसे घर मिलेगा, कैसे बर मिलेगी, उसका फिजिकल फिटनेस होगा कि नहीं है। तो उसमें बहुत सारे मतलब उसमें एलिमेंट्स मैंने डाला है उस चीज़ को। और दूसरी बात है चेहरा, तीन चेहरा जो मैंने दिखाया है इसलिए कि एक परिवार में जब एक लड़की जाती है वो दिन में तीन रूप लेती है, एक दिन में तीन रूप लेती है, एक माँ के रूप लेते, बहन के रूप लेता है, और समय के हिसाब से मतलब एक बीवी के रूप लेती है। तो ये जो तीन चीज मैंने उसमें दिखाया, तो एक मैंने जो काम करता हूँ थोड़ा सा क्या है कि मैंने ट्राइबल फोक ट्रेडिशनल माइथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, इंडियन माइथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को लेके, तो उसको मैंने कंटेम्परेरी टच देता हूँ थोड़ा सा, वो झलकता है इधर जी जी। और दूसरा चीज है कि आप उड़ीसा से हैं जी जी, तो हम लोग आपसे चाहेंगे कि आप उड़िया में अपने जो आपके फैमिली है उनको बताइए कि आप इधर दिल्ली में हैं और जो आपको आज उधर मिला है पुरस्कार। सर मेरे परिवार में कही बताए चाहूँ जी जे जाओ बहुत बहुत धन्यवाद जाओ आज तक जो आज बहुत भले रे मैंने जाओ ये पदरे आज पहुँच पारिजी से बापा माँ आशीर्वाद और मानने गुरु आशीर्वाद प्रभु आशीर्वाद जो आज जगह पहुँच पारिजी बास मोर काम बहुत लोक मैंने आप्रिसीएट कर मोपाई गोटे बड़ मानने गौरवर कथा जहाँ ईश्वर को धन्यवाद दूसरी कि से सदा सर्वदा समस्त भले भले मैंने पथ काटते ये मोर प्रार्थना। दीपक कुमार जी जो इनकी पेंटिंग है लाइफ ऑफ मदर, ये इन्होंने अपने मदर को देखते हुए बनाया जो कार्य वो करती है, जो आप बताएंगे अपने बारे में थोड़ा सा। जी मेरा नाम दीपक कुमार है, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और करंटली मैं ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ, वहाँ रह के पेंटिंग करता हूँ अपना। हरियाणा में चरखी दौरी से बिलोंग करता हूँ जी। तो आपने ये बचपन में खुद ही पेंटिंग का ब्रश पकड़ा? जी मैं शुरुआत बचपन थर्ड क्लास से थोड़ा इंटरेस्ट था, हमारे जो ड्राइंग टीचर थे उनके थ्रू मैं करता चला गया धीरे धीरे। देन मैं बीएफए का फॉर्मल ट्रेनिंग लिया मैंने कॉलेज ऑफ आर्ट से न्यू दिल्ली से। देन उसके बाद मेरा मास्टर्स हुआ है बीएचयू से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद ये पेंटिंग कर रहा हूँ। और आप क्या क्या मीडियम यूज कर रहे हैं अभी? मैं वाटर कलर, ऑयल कलर, एक्रेलिक और ये नेचुरल पिगमेंट अभी रिसेंटली बनाए मैंने। ये नेचुरल पिगमेंट क्या है?
तो प्यारे दर्शकों, आपको ये कार्यक्रम, ये प्रदर्शनी, ये अवार्ड सेरेमनी कैसी लगी, जरूर अपने सुझाव और विचार हमसे साझा कीजिएगा। हमें आपके सुझावों का, विचारों का इंतजार रहता है, उससे हमारा हौसला बढ़ता है। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी हमारे नए अपडेट्स हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। इसी के साथ मैं अपने कैमरामैन संजय जैन के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ। जल्द मिलूंगा अगली खबर में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।